बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आप अपने अपने घरों में खुश हो, तंदुरुस्त हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनी है। आप ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने इसको दम देकर बनाया है, और चिकन बिरयानी है ये। तो उसके लिए सबसे पहले हम पानी रखेंगे चावल बॉईल करने के लिए। तो हमने पानी में खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। इधर पानी हम इतना लेंगे जितना चावल है उससे उसके बराबर हम पानी लेंगे। तो मैंने बासमती चावल लिए हैं 2 केजी, और इस पानी में हम ऑयल भी डाल देंगे और इसको बॉईल करने रख देंगे। और इधर चिकन मैंने धोकर साफ़ कर लिया है, और उसमें अब मैं नमक, हल्दी और कुछ खड़े गरम मसाले डालकर इसका जो पानी है वो एब्जर्व करने रखूँगी। और इसमें हम थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर देंगे चिकन में। और उधर हमने पानी में नमक ऐड कर दिया है चावल के पानी में, और थोड़ी सी प्याज हम अलग निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हमने इसमें पानी बॉईल होने के बाद इसमें जो चावल थे हमारे धोकर डाल दिए हैं, और अब हम इसे 80% तक पकाएंगे चावल को। और इधर लिए हमने मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इधर है हरी मिर्च, टमाटर और धनिया मिर्ची, और 1 चम्मच है गरम मसाला, बिरयानी का जो गरम मसाला होता है वो लिया है मैंने। तो यहाँ पर अब हमारा पानी जो है वो एब्जर्व हो गया है, तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और कुछ हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, और अदरक लहसुन को हमें 5-10 मिनट तक पकाना है। उसके बाद जो भी हमारे सूखे मसाले हैं, धनिया मिर्ची, वो ऐड कर देंगे, और गर्म मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, हमारी ये जो चावल है वो 80% तक तो बॉईल हो गए हैं। अब हमें इसको एक जालीदार बर्तन में निकाल लेना है, ताकि जो भी सारा पानी एक्स्ट्रा है वो हट जाए इससे। तो अभी तो ये बहुत गर्म है, इसको हम फैला देंगे एक बड़े बर्तन में। और ये हमारा मसाला करीबन भून चुका है, 15-20 मिनट तक हमने इसको भुना है, और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर को भी हमने अच्छे से पकाना है जब तक कि ये नरम ना हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ, कुछ पुदीने की पत्तियाँ हमें अभी ऐड करनी है, और कुछ पुदीने की पत्ती हम बाद में ऐड करेंगे जब हम तह जमाएंगे तब। तो अब हमने 250 ग्राम दही लिया है। दही तो हम अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा भी दही ऐड करेंगे तो अच्छा है। तो मेरे पास 250 ग्राम दही था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर अब हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे हमने ब्राउन कर ली है, और इसको एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर अच्छे से फैला दिया है। अब हम तह जमाने की तैयारी करेंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें सबसे पहले जो हमारी चिकन की ग्रेवी है वो हमें डालेंगे। जो बर्तन, उसमें हमने पहले ऑयल लगा दिया था, और उसके बाद हमने चिकन की ग्रेवी डाली है। अब हम इसके ऊपर जो हमारे बॉयल चावल हैं वो थोड़े थोड़े कर डालेंगे, एक लेयर बना देंगे चावल की। अब हमने इस पर जो हमारे पुदीना पत्ती है और टमाटर है वो ऐड कर देंगे इसमें, और इसी के ऊपर हम जो ग्रेवी है वो भी डाल देंगे। हम अपने तरीके से ये तीनों चारों चीज़ों की जो लेयर है वो बनाते रहें एक के बाद एक।
अब इसके ऊपर हमने फिर से चावल की तह जमानी है, और नींबू भी लिए हैं हमने, दो नींबू लिए हैं, उसके बारीक टुकड़े कर दिए हैं, तो ये नींबू भी हमें एक तह पर जमाना है। इस तरीके से सारी लेयर हमें बनानी है, और लास्ट में जो हमारा कलर होता है फूड कलर वो ऐड कर देंगे। हमारे पास जो भी कलर हो हम मिक्स कर सकते हैं, मेरे पास अभी ऑरेंज कलर ही था तो मैंने इसमें ग्रीन कलर भी यूज़ कर लें, दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं आप। जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो ऐड कर देंगे इसमें, और ऊपर से हरी धनिया, ये पुदीने से गार्निश कर देंगे और इसे ढक देंगे। 10-15 मिनट तक हमने इसको ढककर पकाना है बिल्कुल स्लो आंच पर। और अगर हमारा बर्तन पतला है तो हमें नीचे जो रोटी बनाने का तवा होता है वो हम रख सकते हैं इसमें। अब हमें 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे मिक्स कर देंगे ऊपर नीचे करके हल्के हल्के हाथों से। और उसके मिक्स करने के बाद अब हम सर्व करेंगे। देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें, और बहुत ही लज्जतदार बनी है हमारी बिरयानी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसे, और बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।